की समस्याओं और उनकी परेशानियों को देखते हुए जनपद के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अब शासन से मिले दिशा निर्देश के क्रम में हाईटेक किया गया है। यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाते हुए इलाज से लेकर दवाओं के वितरण और रिपोर्ट के प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन अमेठी जनपद के लिए किया गया है, जिनमें गौरीगंज, अमेठी, तिलोई और मुसाफिरखाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इस 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं पूरी तरीके से हाईटेक होंगी। आपको बता दें कि अब इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएं हाईटेक होने के बाद मरीजों को काउंटर पर भीड़ लगाकर नहीं खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें एक कोड दिया जाएगा, उस कोड को बताने पर दवाओं के साथ उनका इलाज और उनकी रिपोर्ट तक उन्हें 5 मिनटों में दे दी जाएगी। इस पहल को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। और आपको यह भी बता दें कि जनपद में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए निर्धारित की गई धनराशि आने के बाद इन उपकरणों को खरीदा जा रहा है और कुछ जगहों पर उपकरण खरीद कर उन्हें लगाने की तैयारी भी है। आपको बता दें कि जनपद अमेठी के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस पूरी योजना में शामिल हैं। ये समायस योजना के तहत इस पहल को किया जा रहा है। आपको बता दें कि 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूरी तरीके से प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बिमलेंद्र शेखर ने बताया कि इस पहल से मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। अक्सर यह देखा जाता था कि पर्ची खो जाने के बाद मरीज को दवाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था या फिर रिपोर्ट कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब इस पहल से काफी सहूलियत मिलेगी। हमारे 4 तहसील स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिरखाना, गौरीगंज, तिलोई और अमेठी, इन चारों में सरकार की योजना है कि उसमें SMIS सॉल्यूशन नाम की योजना चलाई जा रही है। उसमें उनको कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाएगा। तो ये एक अच्छा हाईटेक किया जाने की योजना है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को, जो कि इसमें हमें निर्देश जो मिले हैं उसके क्रम में हम लोगों ने कंप्यूटर और ये सब बार कोड वगैरह का परचेजिंग कर लिया है। अब इसका हमें नेटवर्किंग करानी है और नेटवर्किंग कराने के बाद ये चालू हो जाएगा। इसमें हमारे 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो तहसील स्तर के हैं, अमेठी के गौरीगंज, मुसाफिरखाना, अमेठी और तिलोई, इन चारों में ये कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जाएगा, जिसमें मरीज को एक कोड नंबर दे दिया जाएगा और उसी कोड के आधार पर उसका सब रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और हर काउंटर पर कोड बताने पर उसको इलाज और दवाएं सब निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इससे कितना फायदा होगा? पहले किस प्रकार की क्या समस्या होती थी? पहले हाथ से वो पर्चा लिखा जाता था, हाथ से वो पर्चे को रखना पड़ता था मरीज को, कभी पर्चा खो जाए तो पता नहीं चलता था कि कौन सी दवा लिखी गई। अब उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी सुरक्षित रहेगा और मरीज के लिए भी बस एक कोड नंबर बताना रहेगा कि हमारा ये नाम और कोड नंबर है, तो मिल जाएगा। ठीक सर, थैंक यू।